नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। आयुष्मान खुराना की मच अवेटेड फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ऐसे में एक्टर ने बीते दिन अपनी अपकमिंग फिल्म के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान आयुष्मान ने बताया कि उन्होंने अपने किरदार के लिए गोविंदा और कमल हसन से इंस्पिरेशन ली है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए पूजा बनना आसान नहीं था, अपने इस किरदार के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। इसके अलावा एक्टर ने करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की तारीफ भी की। एक्टर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि ऑडियंस को अब रूढ़िवादी सोच तोड़ने वाली फिल्में पसंद आती हैं। ट्रेलर लॉन्च पर बातचीत के दौरान आयुष्मान खुराना ने कहा कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही रूढ़िवादी समाज और उसकी सोच को चुनौती देने वाले रोल किए हैं। उन्हें विश्वास है कि उनकी फिल्में ड्रीम गर्ल 2 भी ऐसे मुद्दों को उठाती नजर आएगी। फिल्म के बारे में बात करते हुए आयुष्मान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी गिनती कमल हसन, गोविंदा और किशोर कुमार जैसे एक्टर्स में होती है, जो पहले अलग अलग फिल्मों में एक महिला के गेटअप में नजर आ चुके हैं। आयुष्मान बोले, आप चाची 420 में कमल हसन पर, यहाँ आंटी नंबर 1 में गोविंदा से प्रेरणा लेते हैं। किशोर कुमार जी समेत कई एक्टर्स ने ऐसा किया है। खुशी है कि फिल्म ड्रीम गर्ल 2 और ड्रीम गर्ल में यह मौका मिला, जो हल्के फुल्के और मजेदार अंदाज में बहुत कुछ कहती है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।